तूने अच्छा किया जो भाग कर यहाँ आ गया। थोड़ी देर में ये शिप स्विट्जरलैंड बॉर्डर क्रॉस कर देगी, उसके बाद स्विस का कानून न तेरा कुछ बिगाड़ सकती है न मेरा। ये ले। अरे मैं तो भूल ही गया था, पीने के बाद तू होश में नहीं रहता, और मेरा प्लान समझने के लिए तेरा होश में रहना बहुत जरूरी है। हाँ तो तू ये जानना चाहता है कि अगर ये सोनिया बजाज जिंदा है तो मरने वाली लड़की कौन थी? वो सोनिया बजाज ही थी। अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है नीता, और ये विक्रम बजाज जिसे तू करोड़पति समझता है, दरअसल ये करोड़पति नहीं है। कुछ ही महीने पहले जिनीवा के एक छोटे से बार में एक मामूली सा ड्रमर था, मैं ड्रम बजाता था और ये मेरी नीता वहां डांस करती थी। आज के बाद तुम डांस नहीं करोगी, कोई तुम्हें हाथ लगाइए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। छोड़ दो ये सब कुछ। छोड़ दूं? अगर मैं ये काम छोड़ दूं तो कौन देगा मुझे रोज कितने पैसे? मैं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम्हारी हर जरूरतों को पूरी करूंगा। आई लव यू नीता, आई लव यू। प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, मैं लाइफ में एंजॉय करना चाहती हूँ जैसे अमीर लोग करते हैं। और बार में ड्रम बजाकर तुम कभी भी इतनी दौलत नहीं कमा सकते। तुम्हें दौलत चाहिए ना, मैं दूंगा तुम्हें दौलत। उसके बाद विक्की मुझसे 3 महीने तक नहीं मिला। एक दिन अचानक वाह क्या बात है, तुम तो आज एकदम अमीर आदमी की तरह लग रहे हो। मैंने एक अमीर लड़की से शादी कर ली है, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मेरी बीवी सोनिया की 100 मिलियन डॉलर्स की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर तुम मेरा साथ दो तो वो 100 मिलियन डॉलर्स हमारे हो सकते हैं। मेरे पास एक गेम प्लान है, और उस प्लान का पहला स्टेप था मेरी इस नीता को अपनी वाइफ सोनिया बजाज बना के उसे ज्यूरिख ले आना, और उसके बाद एक ऐसे बकरे की तलाश करना जो ना ही शादीशुदा हो बल्कि मेरी उम्र का भी हो। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक दिन तू और प्रिया वहां रहने आ गए। तुझे देखते ही मैं समझ गया था कि मेरा काम हो गया, और मेरा अगला स्टेप था तुझे नीता की तरफ अट्रैक्ट करना, इसलिए जानबूझ के ये तेरी गाड़ी के सामने आई थी, और फिर एक्सीडेंट इंश्योरेंस का ड्रामा करके मैं तुम दोनों को मॉरिशस ले गया, क्योंकि प्लान का फाइनल स्टेप वहीं एग्जीक्यूट होना था, और वो था सोनिया का मर्डर करके उसका इल्जाम तुझ पे लगाना। इसलिए मैंने सोनिया को भी मॉरिशस बुला लिया था। याद है वो कॉलेज फ्रेंड? वही सोनिया बजाज थी, मेरी असली वाइफ। इसके बाद तुझे करीब लाने के लिए नीता ने मॉरिशस में किसका ड्रामा किया, ताकि जब मैं अपना ट्रम्प कार्ड खेलूं वाइफ स्वॉपिंग का, तू आसानी से इसके करीब चला जाए। लेकिन राज, तू इतना पत्नी वर्ता निकला कि मुझसे ही झगड़ा करके मेरे प्लान की बैंड बजा दी। लेकिन फिर भी हम लोग डिस्करेज नहीं हुए। तुमसे दोबारा दोस्ती करने के लिए हमने तुमसे माफी मांगी, कार का जैक स्लिप होने का ड्रामा किया, और फिर हैप्पी बर्थडे टू मी। इस बार मैं कामयाब हो गया, और तू नीता के पास जाके बेहोश हो गया। फिर मैंने तुझे दूसरे कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। नीता, तुम यही रुको, मैं सोनिया को लेने एयरपोर्ट जा रहा हूँ। उसे होश आ गया? तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे सुबह तक होश नहीं आएगा, उसकी शराब में मैंने बेहोशी की दवा मिला। जाओ। ओके। सोनिया का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं, मेरा प्लान था। सोनिया को कार में बैठने के लिए कहकर मैं एयरपोर्ट रेस्टोरेंट में गया, ताकि किसी को अपना विटनेस बना सकूं। Oops, sorry. उसके पास जाकर मैंने एक बॉटल विस्की मांगी और बहाना किया कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा दोस्त पैसे लेकर आने वाला है, जैसे ही वो आएगा मैं बिल चुका दूंगा। Enjoy yourself. Thank you.
फिर जैसे ही मैंने देखा कि मैनेजर दूसरे कस्टमर्स के साथ बिजी हो गया है, मैं वहां से चुपचाप निकल गया। अरे विक्की, तुम इत्तेफाक में कब से बिलीव करने लगे? ये मेरी किताब नहीं है, मेरे फ्रेंड की है। और फिर सोनिया को लेकर घर आ गया। Hey darling, this is for you. याद है शादी की पहली रात को तुमने ऐसी ही नाइटी पहनी थी? मैं तुम्हें फिर से वैसे ही देखना चाहता हूँ। Sure. इसे पहनकर एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाओ। ओके। मैंने उस बॉटल को उठाया जिस पर तेरी उंगलियों के निशान थे। इट्स मी। क्या बात है, आज तुम बड़े रोमांटिक मूड में हो। बस इसी रात का तो इंतजार था मुझे। I'm sorry. क्या? मैंने जानबूझ के शराब की बोतल से उसका चेहरा स्मैश कर दिया ताकि उसे कोई पहचान न सके कि मरने वाली कौन थी। और उसके बाद नीता को जिनीवा की फ्लाइट में भेजकर खुद चुपचाप एयरपोर्ट रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया। बारटेंडर की नजर में मैं सुबह तक बैठा रहा। मैंने जो रिस्क लिया था उसमें कामयाब भी हुआ। मैंने बारटेंडर को पैसे की जगह घड़ी देकर अपना गवाह बना लिया। एवरीथिंग वॉज प्लान। लोगों की उम्र बीत जाती है काम करते करते, वो 1 मिलियन नहीं कमा सकते, और मैं 5 महीने के अंदर 100 मिलियन का मालिक हो गया। और क्या तू इत्तेफाक इत्तेफाक बोलता रहता है? क्या दिया तेरे इत्तेफाक ने तुझे? एक पैग। एक पैग? हाँ, क्योंकि आज सेलिब्रेशन का दिन है इसलिए आज मैं भी पीऊंगा। कमाल का प्लानर है तू। क्या अक्लमंदी से प्लानिंग की तूने? थैंक यू। लेकिन अक्लमंद आदमी में एक बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, वो अपने सिवा सारी दुनिया को बेवकूफ समझता है। तू भी ऐसा ही एक ओवर कॉन्फिडेंट बेवकूफ है। तू समझ रहा है कि मैं यहाँ पुलिस से बचने के लिए आया हूँ? मैं पुलिस से बचने के लिए नहीं, तेरा प्लान जानने आया था, और तूने ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे सब कुछ बता दिया। अब तू ये सोच रहा है ना कि मुझे कैसे मालूम हुआ तू यहाँ है? इत्तेफाक से। इस बोर्डिंग पास को पहचानता है? ये तेरी असली वाइफ सोनिया बजाज का था, और ये मुझे तेरी कार में मिला इत्तेफाक से, उसी इत्तेफाक की किताब में जिसका तुम मजाक बनाता था। फिर इसी इत्तेफाक से मुझे इंश्योरेंस डिटेक्टिव मिला, जिसके जरिए मुझे पता चला कि तुझे इंश्योरेंस का पैसा मिल गया है, और उसमें से 1 लाख तूने यहाँ शिप पे ट्रांसफर किया है। चल ठीक है, अगर तू मेरा प्लान जान भी गया तो तू मेरा क्या कर लेगा? हाँ, थोड़ी देर में ये शिप स्विस बॉर्डर को पार कर लेगा, और उसके बाद हम मीलों दूर निकल जाएंगे। ठहर, मीलों दूर जाने से पहले मैं तुझे एक जोक सुनाता हूँ जो बच्चों को स्कूल में सुनाया जाता है, जिसे तूने तो कभी सुना ही नहीं होगा क्योंकि तू तो सड़क छाप है। तो सुन, एक कछुआ और खरगोश दोस्त थे। एक दिन उनके बीच में रेस लगी और खरगोश फट से आगे निकल गया, और विनिंग पोस्ट के पास पहुंचकर बेफिकर होकर सो गया। उस बेवकूफ को यह भी पता नहीं चला कि कछुआ कब वहां आया और ओवरटेक कर गया। ये जोक है? नहीं, ये कहानी है। जोक तो ये है कि तेरा और मेरा खेल बिल्कुल खरगोश और कछुए जैसा है, जिसमें तू नहीं मैं जीता हूं। क्या बकवास कर रहा है? प्लानिंग मेरी सक्सेसफुल है, मेरे पास नीता है, 100 मिलियन डॉलर्स हैं, तेरे पास क्या है? हा? कुछ नहीं, जीता मैं हूं।
अब ये बात मैं बोलकर तो समझा नहीं सकता तुझे, यहाँ कंप्यूटर तो होगा। चल मैं तुझे मॉडर्न टेक्निक से समझाता हूँ, चल आ। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.